दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हमारे सामने है हुंडई की मोस्ट डिमांडेड हैचबैक हुंडई i20। ये कार बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ लोडेड आती है। 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको इस कार मिलता है। सेफ्टी फीचर्स में आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट एंड हिल स्टार्ट असिस्टेंस मिलता है। ये कार आती है 3 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग के साथ। हुंडई i20 अवेलेबल है 13 वेरियंट और सब वेरियंट में। बेस वेरिएंट है i20 एरा 1.2 MT। बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस है 7.04 लाख रुपीज। इस लाइनअप का टॉप वेरिएंट है i20 अस्टा ऑप्शनल 1.2 IVT ड्यूअल टोन। टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस है 11.21 लाख रुपीज। दोस्तों आज हमारे सामने हुंडई i20 स्पोर्ट्स ओ 1.2 IVT। इस वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस है 9.78 लाख रुपीज। ये कार अवेलेबल है 8 कलर ऑप्शंस में। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार का टाइटन ग्रे कलर देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और अट्रैक्टिव लगता है। सबसे पहले हम बात करने वाले इस कार के फ्रंट लुक्स और लाइटनिंग के बारे में। फ्रंट में हुंडई का लोगो पियानो ब्लैक कलर में ग्रिल मिलता है। कार के फ्रंट लुक्स काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगते हैं। हैलोजन हेडलाइट्स के साथ ये कार आती है। टर्न इंडिकेटर्स हैलोजन मिलते हैं। टेल लाइट्स LED मिलती है। दोस्तों अब हम बात करने वाले इस कार के सस्पेंशन, ब्रेक, स्टीयरिंग और टायर्स के बारे में। कार की साइड प्रोफाइल हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आपको इस कार में हाइपर स्टाइलिश स्टील रिम्स मिलते हैं जो कि एग्जैक्टली अलॉय व्हील्स की तरह दिखते हैं। फ्रंट और रियर टायर की साइज है 195/55 R16 की। फ्रंट में मिलता है मैकपर्सन स्ट्रक्ट सस्पेंशन। रियर में मिलता है कपर टॉर्शन बीम एक्सले सस्पेंशन। आउटसाइड रियर व्यू मिरर बॉडी कलर मिलते हैं। ORVM माउंटेड टर्न इंडिकेटर काफी अट्रैक्टिव स्टाइलिश लगते हैं। ऑटो की बैजिंग साइन पैनल के ऊपर मिलती है। ORVM सनस्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। एक्सटीरियर डोर हैंडल बॉडी कलर मिलते हैं। अब हम चलने वाले इस कार के इंटीरियर की ओर। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार के इंटीरियर्स देख रहे हैं। ड्यूल टोन में इंटीरियर काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग के साथ ये कार आती है। डोर की इंटरनल डिजाइंस, डोर हैंडल इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और ड्रेसेबल, ORVM लॉक ऑन लॉक ऑफ बटन, विंडोज के कंट्रोल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, डोर के ऊपर लेदर फिनिश मिलती है। नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह। काफी अट्रैक्टिव इंटीरियर आपको इस कार मिलता है। कीज की डिजाइन मैनुअल कीज के साथ ये कार आती है। कीज के ऊपर लॉक ऑन लॉक ऑफ बटन, होल्ड का बटन मिलता है। ट्रैक्शन स्विच, ड्राइव मोड का बटन, हेडलाइट हेड एडजस्टर, एसी वेंट्स की डिजाइन, स्टीयरिंग की डिजाइन हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। स्टीयरिंग के ऊपर हुंडई का लोगो मिलता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले इस कार के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ एक कार आती है। इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप के साथ ट्रिप मीटर मिलता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू MT आपको इस कार मिलता है। क्लॉक डिजिटल मिलती है। लो लेवल फ्यूल वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस के साथ एक कार आती है। यूजर सेटिंग, फ्यूल इकोनॉमी हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इस कार मिलती है। गियर इंडिकेटर मिलता है। हेडअप डिस्प्ले आपको इस कार में नहीं मिलता है। टैकोमीटर डिजिटल मिलता है। बहुत सारे ऑप्शन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिजाइन काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ एक कार आती है। स्टीयरिंग के ऊपर हुंडई का लोगो, वॉइस असिस्टेंस, मोड का बटन, वॉल्यूम के कंट्रोल्स, 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ एक कार आती है। स्टीयरिंग की डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगती है। स्टीयरिंग के ऊपर सिल्वर एलिमेंट मिलता है। मेन्यू का बटन, क्रूज कंट्रोल, ओके का बटन, बहुत सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग के ऊपर मिलते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट वाली मिलती है। स्टीयरिंग के राइट साइड को लाइट के कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड को वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले इस कार के इंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। 8 इंच का बहुत ही बढ़िया और अट्रैक्टिव टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको इस कार मिलता है। डिस्प्ले के अराउंड बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। ट्यूनर का नॉब, वॉल्यूम का नॉब, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ ये कार आती है। आपको इसमें इंटीग्रेटेड इंडियन म्यूजिक सिस्टम में 6 स्पीकर्स मिलते हैं। हजार लाइट का बटन, एसी वेंट्स की डिजाइन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एयर कंडीशनर मिलता है। एयर कंडीशनर के कंट्रोल्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। ऑटो का बटन, टेम्परेचर कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, ब्लूटूथ, USB ऑक्सिलरी कॉम्पेबिलिटी के साथ ये कार आती है। वायरलेस चार्जर आपको इस कार मिलता है। AC ऑफ का बटन, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, सी टाइप और USB टाइप ऑक्सिलरी पोर्ट आपको यहां पर मिलता है। वायरलेस चार्जर की जगह। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ एक कार आती है। शिप लॉक रिलीज,
स्क्रीन के ऊपर हम इस कार के रिवर्स पार्किंग कैमरा विद गाइडेंस की फंक्शनिंग देख रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया और यूजफुल फीचर है, नए ड्राइवर के लिए काफी हेल्प करता है। बहुत ही बढ़िया व्यू आपको इस फीचर में मिलता है। ट्विन कप होल्डर, मैकेनिकल पार्किंग ब्रेक, ड्राइवर आर्मरेस्ट के नीचे बहुत ही बढ़िया स्टोरेज मिलता है, रियर एसी वेंट्स। इस कार की सीटिंग काफी कंफर्टेबल है, आपको इस कार में फैब्रिक्स के सीट मिलते हैं, फ्रंट और रियर में हेडरेस्ट मिलते हैं, ग्रैब हैंडल, इंटरनल डोर हैंडल, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह मिलती है। कार की फिटर फिनिश बहुत ही बढ़िया है, ग्लो बॉक्स में आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। को पैसेंजर साइड सनवाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर और एयरबैग कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सनरूफ के साथ ये कार आती है, सनरूफ से बहुत ही बढ़िया व्यू मिलता है। सनग्लास होल्डर, मैनुअल आईआरवीएम्स के साथ ये कार आती है। ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर टिकट होल्डर मिलता है। डैशबोर्ड की डिजाइन काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। 8-way manually adjustable driver seat और 6-way manually adjustable front passenger seat आपको इस कार मिलता है। दोस्तों अब हम चलने वाले इस कार के रियर सीटिंग की ओर, देखने वाले हैं रियर सीट्स के ऊपर आपको कितना स्पेस मिलता है, कितना कंफर्ट मिलता है। बहुत सारे फीचर्स के साथ ये कार लोडेड आती है। एक्सटीरियर डोर हैंडल बॉडी कलर मिलते हैं। कार की साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे, कार के लुक्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। अब हम चलने वाले इस कार के रियर सीट की ओर, आपको इस कार में काफी कंफर्टेबल सीटिंग मिलती है, बहुत ही बढ़िया स्पेस मिलता है। फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर में फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं। डोर की इंटरनल डिजाइन, इंटरनल डोर हैंडल, विंडोज के कंट्रोल, रियर डोर के ऊपर हार्ड फिनिश मिलती है, बॉटल होल्डर के लिए जगह। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार के डैशबोर्ड की डिजाइन देख रहे हैं, काफी अट्रैक्टिव इंटीरियर्स के साथ ये कार आती है। 2-way मैनुअली एडजस्टेबल रियर सीट आपको इस कार मिलता है, बहुत ही बढ़िया लेगरूम के साथ ये कार आती है। इस कार के सीट्स फैब्रिक्स के बने हुए हैं। रियर एसी वेंट्स, मोबाइल रखने के लिए जगह, यूएसबी टाइप चार्जिंग पोर्ट, रियर रीडिंग लैंप, बहुत ही बढ़िया व्यू सनरूफ से मिलता है। ग्रैब हैंडल, इंटरनल डोर हैंडल, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह। इस कार के सीट्स फैब्रिक्स के बने हुए हैं। सीट बेल्ट एंकर पॉइंट्स, आइसोफिक्स आपको इस कार मिलता है। रियर फिक्स हेडरेस्ट, काफी कंफर्टेबल सीटिंग के साथ ये कार आती है। पार्सल ट्रे, आपको इस कार में रियर पैसेंजर सीट टाइप बेंच वाले मिलते हैं। इंटीरियर ड्यूल टोन में मिलते हैं, रियर सीट हम फुली फोल्ड कर सकते हैं। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स के साथ एक कार आती है, हेडरेस्ट फ्रंट और रियर में मिलते हैं। दोस्तों अब हम चलने वाले इस कार के रियर की ओर, देखने वाले हैं रियर के लुक्स कैसे लगते हैं, आपको इस कार में कितना बूट स्पेस मिलता है। कार की रियर प्रोफाइल काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। एलईडी टेल लाइट्स के साथ एक कार आती है, हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, हुंडई का लोगो, i20 की बैजिंग, रियर रिफ्लेक्टर, रियर पार्किंग सेंसर्स, नंबर प्लेट के लिए जगह, नंबर प्लेट लाइट्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ग्राउंड क्लीयरेंस हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एग्जॉस्ट पाइप। आपको इस कार में 5 डोर्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स की बैजिंग, सिटिंग कैपेसिटी 5 लोगों की है, शार्क फिन रूफ माउंटेड एंटीना, स्पॉइलर, स्टॉप लाइट्स, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। अब हम चलने वाले इस कार के बूट स्पेस की ओर, स्क्रीन के ऊपर हम इस कार का बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस देख रहे हैं। ग्लॉसरी बैग हैंग करने के लिए हुक्स, 2 हुक्स आपको बूट में मिलते हैं, एडवांस वार्निंग ट्रायंगल्स, स्टील रिम के साथ स्पेयर व्हील मिलता है, मैकेनिकल जैक के साथ एक कार आती है। स्पेयर व्हील की साइज है 185/65 R15 की। लॉकिंग के अरेंजमेंट, इंटरनल डोर हैंडल, अनलॉक का बटन, लॉकिंग के अरेंजमेंट, डोर सपोर्ट करने के लिए मैकेनिज्म मिलता है। आपको इस कार मिलता है 311 लीटर का बूट स्पेस। इस कार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर्स है। कार की लेंथ है 3.995 मीटर्स, विड्थ है 1.775 मीटर्स, हाइट है 1.505 मीटर्स, व्हील बेस है 2.580 मीटर्स। कार के इंटीरियर सनस्क्रीन के ऊपर देख रहे, काफी अट्रैक्टिव इंटीरियर के साथ ये कार आती है। बोनेट ओपन करने के लिए लीवर। दोस्तों अब हम बात करने वाले इस कार के ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के बारे में। ये कार आते हैं एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ। आपको इस कार में हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलती है। अब हम चलने वाले इस कार के फ्रंट की ओर, इंजन इमोबिलाइजर के साथ ये कार आती है। सेंट्रल लॉकिंग रिमोट मिलती है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको इस कार मिलता है। कार के फ्रंट लुक्स काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगते हैं। दोस्तों अब हम चलने वाले इस कार के इंजन और ट्रांसमिशन की ओर, आपको इस कार मिलता है 2 लीटर 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वाल्व DOHC 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन।
ये इंजन प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर ऑफ 87 bhp और मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 114.7 न्यूटन मीटर। फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ ये कार आती है ब्रेक ऑयल टैंक, इंजन ऑयल चेकर, वाइपर रोटर फिल करने की जगह, लॉक ऑन लॉक के अरेंजमेंट, रेडिएटर, बैटरी की पोजिशन। आपको इस कार में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम मिलती है। इस कार के इमिशन स्टैंडर्ड BS6 फेज 2 के अनुसार है। दोस्तों अब हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सेफ्टी के बारे में। ओवर स्पीड वार्निंग के साथ एक कार आती है। आपको इस कार में इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग मिलती है। ग्लोबल 3-स्टार एनकैप सेफ्टी रेटिंग आपको इस कार मिलती है। 6 एयरबैग्स आपको इस कार मिलते हैं। रियर मिडल 3-पॉइंट सीट बेल्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चेल्सी टैंकर पॉइंट सीट बेल्ट वार्निंग के साथ एक कार आती है। कार के फ्रंट लुक्स काफी स्टाइलिश और एग्रेसिव लगते हैं। अब हम बात करने वाले कंफर्ट और कन्वीनियंस के बारे में। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एयर कंडीशनर मिलता है। रियर में एसी वेंट्स मिलते हैं। आपको इस कार में हीटर मिलता है। वैनिटी मिरर ऑन सनविजर सिर्फ को ड्राइवर को मिलते हैं। केबिन बूट एसिस के साथ ही कार आती है। एंटी ग्लेयर मिरर मैनुअल इंटरनल मिलते हैं। पार्किंग असिस्टेंस के लिए रिवर्स कैमरा विद गाइडेंस मिलता है। पार्किंग सेंसर्स रियर में मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल आपको इस कार मिलते हैं। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन का रिमाइंडर मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट वाली मिलती है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको फ्रंट में मिलता है। अब हम बात करने वाले इस कार के मैन्युफैक्चरर वारंटी के बारे में। आपको इस कार में 3 साल की 1 लाख किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है। अट्रैक्टिव लुक्स, बहुत सारे फीचर्स और बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ आने वाली ये कार आपको बहुत पसंद आएगी। आई वुड लाइक टू थैंक्स अमरदीप भोसले सर, ऑल दी स्टाफ ऑफ गार्वे हुंडई एंड गार्वे ग्रुप। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गार्वे हुंडई नवले ब्रिज पुणे का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मेंशन किया हुआ है। आपके पसंद की हुंडई कार खरीदने के लिए जरूर विजिट करें। Thank you for watching and stay tuned for more interesting updates. Don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Have a nice day.